हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेस्ड अप। मैं हूं आपकी दोस्त शिखा और आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे 4 ट्रेंडी एंड इजी फैब्रिक डीआईवाईज और साथ ही एक्सप्लोर करेंगे इन फैब्रिक कलर्स को और करेंगे फैब्रिक पेंटिंग। आप अगर मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के फर्स्ट DIY के लिए मैंने यूज किया है ये वाइट कॉटन क्लॉथ। ये एक कॉटन बेडशीट है, आप देख रहे हैं इसका कॉटन काफी थिक है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इसे यूज करके हम बनाएंगे आज एक कुशन कवर। यहाँ मैं 16x16 का कुशन कवर बना रही हूँ। आप अपने कुशन के अकॉर्डिंग इसका डायमेंशन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 37x17 इंचेस का ये डायमेंशन रखा है। आप स्क्रीन पर सारे डायमेंशंस देख सकते हैं। उसके बाद इस फैब्रिक की दोनों साइड्स को हम हेम करेंगे। आप यहाँ सिंगल या डबल फोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर लें। इस क्लॉथ को ओवरलैप करते हुए हम कुछ इस तरह रखेंगे। ओवरलैपिंग में बस हमें ध्यान रखना है कि हमें इसे 16 इंचेस से कम नहीं करना है, अदरवाइज हमारे पिलोज में फिट नहीं होगी। और सेकंड चीज ये ध्यान रखनी है कि आपको ओवरलैपिंग उल्टी साइड से करनी है, यानी कि आपने जिस साइड हेम किया है उसका राइट साइड अंदर रहेगा। इस तरह प्लेस करने के बाद अब हम साइड्स पर भी इसको स्टिच करेंगे। आप इसे इस पोजीशन पे सिक्योर करने के लिए इस तरह की क्लिप्स यूज कर सकते हैं या आप इस तरह की पिंस यूज कर सकते हैं। आप एक कच्ची सिलाई लगाकर भी इसे सिक्योर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ दोनों साइड्स पर डबल सिलाई करते हुए अच्छे से सिक्योर कर लिया है और बस अब हम इसे फ्लिप करेंगे और हमारा पिलो कवर रेडी हो गया है। इस कुशन कवर पर हम करेंगे फैब्रिक पेंटिंग, पर उससे पहले हम इसमें इस तरह का एक कार्डबोर्ड या न्यूज़पेपर इंसर्ट कर लेंगे ताकि जो हमारा पेंट है वो बैक साइड पर ब्लीड ना हो। सबसे पहले मैंने यहाँ मार्जिन क्रिएट कर ली है, उसके बाद मैंने अपना डिजाइन लिया है। ये डिजाइन मैंने प्रिंट आउट किया है। ये दो A4 पेपर शीट्स पर डिजाइन मैंने प्रिंट करके ओवरलैप करते हुए इसे स्टिक कर लिया है। हम अपने डिजाइन को अपने पिलो कवर पर ट्रेस करेंगे, जिसके लिए मैंने इस तरह का लाइट कलर का ट्रेसिंग पेपर यूज किया है। सबसे पहले हम अपने डिजाइन को यहाँ टेप से सिक्योर कर लेंगे, उसके बाद हम नीचे ट्रेस पेपर रखते हुए हल्के हाथों से यहाँ पर ट्रेसिंग करेंगे। लाइट कलर के बैकग्राउंड पर ट्रेस करने के लिए आप हमेशा इस तरह के हीट कार्बन पेपर यूज करें, जिससे कि आपके हैंड इम्प्रेशन बिल्कुल भी आपके बेस पर ट्रांसफर नहीं होंगे। हमारा डिजाइन यहाँ ट्रेस हो गया है। नेक्स्ट अब हम इस पर पेंट करेंगे। पेंट करने के लिए मैंने यहाँ फेविकोल के फैब्रिक कलर्स यूज किए हैं। इन कलर्स की क्वालिटी, शाइन और लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। आपको इनमें बिल्कुल भी मीडियम मिक्स करने की जरूरत नहीं है, दे आर रेडी टू यूज। पेंट करने के लिए मैंने यहाँ फ्लैट ब्रश नंबर 1 और 2 यूज किया है। सबसे पहले मैंने फ्लैमिंगो की बॉडी पर बेस पेंट कर लिया है, उसके बाद लाइट और डार्क कलर्स यूज करते हुए इस तरह शेडिंग की है। शेडिंग करने से हमारी पेंटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल बनती है। शेडिंग करने में आपको थोड़ा सा टाइम और पेशेंस रखना पड़ेगा, इससे ही आपकी पेंटिंग बहुत रियलिस्टिक और ब्यूटीफुल लगेगी।
फ्लैमिंगो की बॉडी पेंट करने के बाद हम बैकग्राउंड में लीव्स को पेंट करेंगे। लीव्स पर भी मैंने सेम ग्रीन कलर पहले पेंट कर लिया है और उसके बाद लाइट और डार्क ग्रीन कलर यूज करते हुए उसमें शेडिंग की है। फैब्रिक पर पेंट करते वक्त आप ध्यान रखें कि आप अपने पेंट में ज़्यादा पानी ना मिक्स करें, अदरवाइज वो ब्लीड कर जाएगा और आपका फैब्रिक पेंटिंग बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। फैब्रिक पर पेंट करते वक्त आपको काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत है। आप बिल्कुल भी जल्दी जल्दी पेंटिंग करने की कोशिश ना करें, आप टाइम लें और धीरे धीरे इसे कंप्लीट करें। फ्लैमिंगो की बीक पेंट करने के लिए मैंने व्हाइट और ब्लैक कलर यूज किया है। इस पेंटिंग को सिक्योर करने के लिए आपको आयरन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस इसकी वॉशिंग के टाइम पर यह ध्यान रखना है कि आप इसे बहुत ज़्यादा रब करके ना वॉश करें। आप सिंपली इसे सोप एंड वाटर से वॉश कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारी ये पेंटिंग कंप्लीट होती है। अगर आप इस पेंटिंग का एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपके साथ वो वीडियो जल्द ही शेयर कर दूंगी। इस तरह के हैंड पेंटेड कुशन कवर्स आप अपने घर के लिए बना सकते हैं। आज के नेक्स्ट DIY के लिए मैंने इस तरह की पुरानी CDs ली हैं और मैंने लिया है ये ब्लैक कलर का कॉटन फैब्रिक। ये फैब्रिक थोड़ा सा थिन है। इस फैब्रिक को यूज़ करके हम अपनी CDs को कवर करेंगे, पर उससे पहले ब्लैक एक्रेलिक कलर का हम यहाँ एक कोट कर लेंगे। उसके बाद फैब्रिक पर कुछ इस तरह मार्क करके मैंने दो सर्कल्स कट कर लिए हैं। इन्हें CD पर स्टिक करने के लिए आप फैब्रिक ग्लू या फेविकॉल दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। ग्लू को यहाँ इवनली हम फैला लेंगे और उसके बाद इसे क्लॉथ के ऊपर रखते हुए स्टिक कर लेंगे। CD के सेंटर को कवर करने के लिए मैंने इस तरह से फोम पीसेस यूज किए हैं। उसके बाद हम क्लोथ पर इस तरह से कट लगाएंगे। और इसे भी फैब्रिक ग्लू की हेल्प से स्टिक कर देंगे। इस तरह हमारी CD कवर हो चुकी है। CD की बैक साइड को थोड़ा सा नीट फिनिश देने के लिए हम अपने सेकेंड सर्कल को इसके ऊपर स्टिक करेंगे। आप इसे डायरेक्टली भी इसके साइज का कट करके स्टिक कर सकते हैं और आप इसे थोड़ा सा नीट फिनिश देने के लिए फोल्ड करके भी स्टिक कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ कर रही हूँ। सेम वे में मैंने छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद उन्हें अंदर की साइड फोल्ड कर लिया है और इस पीस को हम अपने CD कोस्टर के बैक साइड पर स्टिक करेंगे। इस तरह हमने अपना CD कोस्टर रेडी कर लिया है। उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ अपना डिज़ाइन। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने इस तरह का एक छोटा कार्डबोर्ड पीस कट कर लिया है, जिसे रखते हुए हम इस तरह अपना डिज़ाइन बना लेंगे। यहाँ मैं कुछ हनीकॉम्ब का डिज़ाइन बना रही हूँ। इस तरह रैंडमली मैंने ये शेप्स यहाँ बना लिए हैं। उसके बाद इन्हें मैं पेंट कर रही हूँ। पेंट करने के लिए हम यहाँ फैब्रिक कलर का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो इन्हें एक्रेलिक से भी पेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ येलो में थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स करके ये गोल्डन येलो कलर बनाया है। फर्स्ट कोट अप्लाई करने के बाद सेकेंड कोट में हम यहाँ ऑरेंज और येलो को इस तरह अप्लाई करेंगे और धीरे धीरे मिक्स करते हुए शेड्स क्रिएट करेंगे।
फैब्रिक कलर्स को आपस में ब्लेंड करना काफ़ी आसान होता है। आप दो कलर्स को आपस में जब भी ब्लेंड करें, आप अपने ब्रश को थोड़ा थोड़ा क्लीन करते रहें। उसके बाद मैंने पेंसिल से यहाँ पर एक बी ड्रॉ कर ली है और उसे भी हम सेम कलर से पेंट कर लेंगे। और देखिए कितनी जल्दी हमने अपना कोस्टर बनाकर रेडी कर लिया है। सेम पैटर्न में मैंने सेकंड कोस्टर को भी पेंट किया है। इस कोस्टर में भी मैंने सेम कार्डबोर्ड यूज करते हुए छोटे छोटे हनीकॉम्ब्स बनाए हैं और उन्हें सेम कलर से पेंट कर लिया है। फर्स्ट लेयर कंप्लीट होने के बाद अगेन यहाँ येलो और ऑरेंज कलर को थोड़ा थोड़ा अप्लाई करते हुए मैंने शेडिंग की है। इस तरह से शेडिंग करने में काफी आसानी से आप कलर्स को ब्लेंड कर सकते हैं। हनीकॉम्ब्स बनाने के बाद इस कोस्टर में भी मैंने एक छोटी सी बी ऐड की है। और लास्ट में व्हाइट कलर यूज करते हुए अपना कोट लिखा है। और हमारे क्विक एंड इजी सीडी कोस्टर्स बनकर रेडी हैं। इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने एक कोट वार्निश का किया है। तो आज का ये आइडिया आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आइए चलते हैं आज के थर्ड DIY की तरफ, जिसके लिए अगेन मैंने सेम वाइट क्लॉथ यूज किया है जिसे मैंने अपने फर्स्ट DIY के लिए लिया था। उससे मैंने एक फैब्रिक पीस कट कर लिया है। इसके डायमेंशंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस फैब्रिक पर हम करेंगे स्टैम्पिंग। स्टैम्पिंग के लिए आप प्रॉपर स्टैम्प्स भी यूज कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर बहुत ही बेसिक और इजी सा स्टैम्पिंग मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ, विच इज पोटैटो स्टैम्पिंग। यस, ये वही पोटैटो स्टैम्पिंग है जो बचपन में हम सब ने अपनी क्राफ्ट क्लास में ज़रूर की होगी। इसके लिए आपको पोटैटो को बीच से हाफ कट कर लेना है। यहाँ मैं वाटरमेलन का एक स्लाइस बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पोटैटो पर एक सेमी सर्कल जैसा कट कर लिया है। कट करने के लिए आप कोई भी शार्प नाइफ यूज कर सकते हैं। इस तरह हमारा स्टैम्प बन के रेडी है। स्टैम्पिंग करने के लिए आप फैब्रिक कलर को इस तरह एक प्लेट में ले लें और सिंपली अपने स्टैम्प को इसमें डिप करें और क्लॉथ के ऊपर रखते हुए अच्छे से पुश करें। आप देख सकते हैं हमारा स्टैम्प काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। कुछ जगह पर अगर कलर मिस हो जाता है तो डोंट वरी, आप वहां दोबारा स्टैम्पिंग कर सकते हैं या आप उसे ब्रश से भी सही कर सकते हैं। थोड़ा सा अनइवन होने में कोई बुराई नहीं है। आई थिंक हैंडमेड चीज़ों की खूबसूरती उनकी थोड़ी बहुत कमी में ही होती है। हमारा स्टैम्पिंग पार्ट अच्छे से ड्राई हो गया है। उसके बाद ग्रीन और वाइट कलर यूज करते हुए मैंने यहाँ अपने वाटरमेलन के स्लाइसेस को कंप्लीट किया है। इस मेथड से आप किसी भी शेप और साइज का स्टैम्प क्रिएट कर सकते हैं
और इजिली फैब्रिक्स पर यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव वे है स्टैम्प्स बनाने का। ये स्टैम्पिंग करते वक्त मुझे बहुत मजा आया और कुछ बचपन की यादें भी ताजा हो गई। ब्लैक कलर यूज करते हुए हम यहाँ वाटरमेलन के सीड्स बना लेंगे। और इसी के साथ ही हमारा ये ब्यूटीफुल सा पैटर्न कंप्लीट होता है। इस क्लॉथ से हम बनाएंगे रिवर्सिबल प्लांटर, जिसके लिए मैंने सेम साइज का एक फैब्रिक पीस और ले लिया है और दोनों की राइट साइड फेसिंग करते हुए इन्हें इस तरह स्टिच करेंगे। आप इन्हें हाथ से भी स्टिच कर सकते हैं। स्टिच करने के बाद हम दोनों पीसेस को इस तरह रखेंगे और इसकी इस एज पर भी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इन राउंड पीसेस को हम इनके बेस पर स्टिच करेंगे। मैंने यहाँ पिन की हेल्प से पहले पिन अप कर लिया है और देन स्टिचिंग की है। आप डायरेक्टली भी स्टिच कर सकते हैं। ओके, तो सेकंड बेस को भी हम सेम वे में स्टिच करेंगे, बट दिस टाइम हम 2 से 3 इंच का एक गैप छोड़ देंगे। इस गैप के थ्रू हम अपने पूरे क्लॉथ को निकाल लेंगे। इस तरह हमारा डिजाइन राइट फेसिंग हो गया है। नेक्स्ट, इस गैप को अब हम सिलाई लगाकर बंद कर देंगे और बस हमारा इजी सा रिवर्सिबल प्लांटर भी बनकर रेडी है। आपको ये हैंड पेंटेड प्लांटर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप इसे एज अ ऑर्गेनाइजर और अ प्लांटर होल्डर दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। आप इस रिवर्सिबल प्लांटर को दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। आइए बनाते हैं आज का लास्ट DIY, जिसके लिए मैंने ये जूट क्लॉथ लिया है। ये लैमिनेटेड जूट क्लॉथ है, आप नॉर्मल जूट क्लॉथ भी यहाँ यूज कर सकते हैं। इस क्लॉथ से मैंने एक पीस कट कर लिया है और मैंने इस तरह का एक कॉटन फैब्रिक लिया है। आप स्क्रीन पर क्लॉथ की सारी डायमेंशंस देख सकते हैं। इन्हें हम आपस में स्टिच करेंगे, जिसे मैंने इस तरह हाफ फोल्ड कर लिया है और जूट फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर उसे इस तरह रखते हुए हम स्टिच करेंगे। हमने यहाँ कॉटन क्लॉथ को जूट के साथ स्टिच कर लिया है। उसके बाद दोनों क्लॉथ की सीम्स को मैं इस तरह फोल्ड कर रही हूँ। आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, पर ऐसा करने से थोड़ा सा नीट फिनिश आ जाता है। उसके बाद हम अपने कॉटन क्लॉथ को इस तरह जूट की राइट साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ एक सिलाई लगाएंगे। ऐसा करने से हमारा जूट क्लॉथ आगे की तरफ फिक्स हो जाएगा। ओके, तो हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम यहाँ अपना डिजाइन बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ कुछ लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है इस तरह का एक कार्डबोर्ड पीस, जिसे कुछ इस तरह रखते हुए हम पेंसिल से अपना डिजाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप पेंटिंग का पार्ट स्टिचिंग से पहले भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ डिजाइन को काफी सिंपल रखा है, सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स फॉलो की हैं। उसके बाद हम इन्हें पेंट करेंगे। पेंट करने के लिए अगेन मैंने यहाँ फैब्रिक कलर्स यूज किए हैं। आप चाहें तो यहाँ एक्रेलिक कलर्स यूज कर सकते हैं। Thank you.
कलर कॉम्बिनेशन आपने जो सेकंड क्लॉथ यूज़ किया है आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं या आप अपने मन चाहे कलर से भी इसे पेंट कर सकते हैं। हमारा पेंटिंग पार्ट कंप्लीट हो गया है, हमने इसे अच्छे से ड्राई कर लिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ जूट फैब्रिक से इस तरह का एक सर्कल कट कर लिया है। सारे डायमेंशंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस सर्कल को हम जूट क्लॉथ पर नीचे की तरफ स्टिच करने वाले हैं। मैंने इस तरह इसे पिन से सिक्योर कर लिया है। ऐसा करने से आपको स्टिचिंग करने में आसानी रहती है। पिन अप करने के बाद अब हम इसे स्टिच कर लेंगे और बेस को स्टिच करने के बाद हम साइड्स को भी सिल लेंगे। मैंने यहाँ स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हम इसे फ्लिप कर लेंगे और बस हमारा ये प्लांटर भी बनकर रेडी है। अगेन आप इसे एज अ ऑर्गेनाइजर भी यूज कर सकते हैं और आप इसे एज अ प्लांट बास्केट भी यूज कर सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कोई DIY ट्राई करते हैं या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मिस्टर क्राफ्ट। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।